Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are going to discuss today physics in motion in a plane, and that is the topic which I am going to discuss today. तो इस टॉपिक में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज ये लेक्चर पांचवा है. सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है. मोशन तो बाद की बात है, मोशन तो आप समझते ही हैं. प्रोजेक्टाइल होता है जब किसी बॉडी को और कोई भी ऐसी बॉडी जो ऐसे फेंक देने के बाद, ऐसे उछाल देने के बाद उसकी कोई मोशन होती है और वो एक हवा में जब हम उसको फेंकते हैं तो वो जब तैरता है, ये कह सकते हैं, या मोशन उसकी जो भी होती है, तैरने का भी एक मोशन ही होता है. तो जब वो हवा में ऐसे उछलता है तो उस पार्टिकल को, उस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल. और उसके मोशन का जो पाथ है उसको हम कहेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और उसके मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल इज नथिंग एल्स बट ए बॉडी विच इज सेंड इन द एयर. ठीक है ना, अगर हवा में उसे हम फेंकते हैं तो उस बॉडी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल. जैसे आप एक पत्थर उठा के ऐसे फेंक दिए तो भी एक प्रोजेक्टाइल हुआ. ये कैसे होता है, ये किसी दो तरह के हो सकते हैं. एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो सकता है, जैसे कि हम किसी बॉडी को ऐसे फेंक दे, एकदम हॉरिजॉन्टली फेंक दे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा. किसी बॉडी को एकदम वर्टिकल फेंक दे तो वो होगा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, सीधा एकदम मोशन अंडर ग्रेविटी भी उसको कहते हैं. और तीसरा होगा कि कुछ एंगल से फेंक दिया जाए, ऐसे, तो उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल. और यही सारी बातें हमें सीखनी है. तो सवाल ये है कि जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं ऐसे सीधे ऊपर की ओर, तो सीधे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर हमारे हाथ में वापस आ जाता है. ठीक है ना, उसकी सिर्फ वर्टिकल मोशन होती है, उसकी कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होती है ना, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन होती है. उसमें जी काम करता है और जी जो है वो नीचे से जब बॉडी ऊपर जा रहा है तब भी नीचे की ओर काम कर रहा है, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब भी नीचे की ओर काम कर रहा है. दोनों स्थिति में जी नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब बॉडी ऊपर की ओर जा रहा होता है तो बॉडी के मोशन के अगेंस्ट में जी काम कर रहा होता है, इसलिए जी को हम मोशन के रिस्पेक्ट में निगेटिव लेते हैं. और जब बॉडी नीचे आ रही होती है और जी भी नीचे काम कर रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मोशन के रिस्पेक्ट में जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होती है. लेकिन जी हमेशा नीचे की ओर काम करता रहता है. ठीक है ना, जी हमेशा, बिकॉज इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ग्रेविटी, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो इस तरीके के नीचे की ओर जो अर्थ की ग्रेविटी के और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वही काम करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि नीचे की ओर काम कर रहा है, जी हमेशा ही नीचे की ओर खींचता रहता है. अब सवाल यह है कि जब बॉडी को फेंका जाता है वर्टिकली तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होती, बॉडी जहां फेंका है वहीं पे आके हाथ में गिर जाता है. लेकिन जब हम किसी बॉडी को ऐसे किसी एंगल पे फेंकते हैं, ऐसे किसी एंगल पे फेंक दिया जाए, तो उस बॉडी के दो तरह के मोशन होते हैं. बॉडी एक ऊंचाई को भी अटेन करता है ऐसे जाने के बाद, और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी, आप अर्थ के सरफेस के पैरेलल एक डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है. तो इसमें दो तरह की डिस्प्लेसमेंट होती है, दो तरह का, एक कुछ हाइट को भी बॉडी अटेन करता है और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी अटेन करता है. जैसे आप किसी बॉलर को देखते होंगे बॉल करते हुए, तो बॉल वो थोड़ी सी ऊपर फेंकता है, बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी जाता है और थोड़ी ऊंचाई को भी अटेन करता है. ऐसे ही कई सारे पार्टिकल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में रोज हो रहे होंगे, जिसको आप फेंकते हैं, आप खुद भी कुछ फेंक के देखेंगे तो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो दो प्रकार के जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस बॉडी के मोशन में दो तरह के मोशन भी होंगे, एक जो ऊपर की ओर ले जाने का काम करता होगा और एक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने का काम करता होगा. ये जिस बॉडी को फेंका जाता है
उसके वेलोसिटी में ही ये दोनों मिशन होती है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो बॉडी को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करवाता है, और एक जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बॉडी को ऊपर की ओर ले जाता है। यही सारी बातें आज हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखेंगे, ठीक है ना। आज इस प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं सबसे पहले कि बॉडी क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे इसमें कि जो डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, वो सब कैसे निकालेंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आइए आज हम इसको सीखते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आज इस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें दो तरह की बातें, जैसे कि हमने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह की बातें होंगी, एक प्रोजेक्टाइल के बारे में और फिर उसकी मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, जैसा कि हमने बताया, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन इन द एयर द बॉडी इज कॉल्ड, द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी थ्रू आउट इट्स जर्नी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जो हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो गया, या वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। जब हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जब किसी एंगल से फेंकते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो व्हाट इज दैट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बॉल इज थ्रोन, यहां पे लिख देता हूं, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर बाई ए बॉलर, बॉलर इन क्रिकेट इट कवर्स सम वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट एज वेल एज सम वर्टिकल डिस्टेंस, सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो इस बॉडी को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, इस मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या होता है कि जब हम इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो है इसको सम हाइट को अटेन करने के लिए ले जाएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इसको कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ले जाएगा। अब किसी बॉडी को अगर हमने थ्रो किया है तो उसके मोशन को हम कह सकते हैं कि उसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लेते हैं कि एक है, ये बॉडी को हमने थ्रो किया यहां से ऐसे, है ना, ये एंगल है, और इस जिस स्पीड से हमने थ्रो किया यहां पे ये था, और ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी इधर है और टाइम इधर है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से फेंका किसी बॉडी को उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऊपर की ओर, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये है थीटा, ये वेलोसिटी है, ठीक है।
अब इसके एक दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट कहलाएगा यहां से यहां तक, ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ये हमें देखना है कि ये कितना होगा। तो ये भी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। ये दो बातें जो होगी, ये दो कंपोनेंट होंगे, और इनके जो कंपोनेंट क्या क्या होंगे, ध्यान रहे, याद रख सकते हो कि एंगल के साथ वाला जो होता है, ये एंगल के साथ वाला जो होगा उसको हम कहते हैं, ये जो कंपोनेंट होगा एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, है ना। तो जो एंगल के साथ वाला होता है उस कंपोनेंट को हम कहेंगे वी साइन कॉस थीटा, उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। यानी एक कंपोनेंट हो गया वी ओ ए और दूसरा कंपोनेंट हो गया ओ बी। ये भी वेक्टर के फॉर्म में ही कहे जा सकते हैं, ये वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर एडिशन से आप कहेंगे तो ये हो गया ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ वी, इस तरीके का। लेकिन वी तो वेलोसिटी है, हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या हो सकता है, वो नाम हम दे देते हैं बी सी, चाहे पी दे देते हैं पी, ठीक है ना, ये दे दिया पी, ठीक है, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, ये पी पॉइंट हमने दे दिया। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, आप कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये मॉडुलस ऑफ वी है वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को यू मान ले, यू मान लेते हैं, वी के बजाय यू मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, यू इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू कंपोनेंट हो गया, है ना। ये मॉड लेने के बाद यू ऐसे ही लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखेंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू हो गया यू कॉस थीटा, और इसी तरह से साइन थीटा अगर हम लिखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी, यहाँ पे ए पी अपॉन मॉडुलस ऑफ ओ पी, यानी यू, ए पी अपॉन यू। सो दैट विल बी ए पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन यू, इसलिए ए पी इज इक्वल टू हो गया कितना, तो यू साइन थीटा, यानी ये हो गया कंपोनेंट यू साइन थीटा। तो उसी तरह से ओ बी भी होगा यू साइन थीटा, ओ बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट हुआ जो यू साइन थीटा हुआ, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हुआ वो हुआ यू कॉस थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बॉडी को वर्टिकल हाइट अटेन करने के लिए काम करता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए काम करता है। तो अगर किसी बॉडी को ये समझ लिया जाए कि किसी बॉडी को हम यहां से थ्रो करते हैं, मान लीजिए ये थ्रो किया हमने बॉडी को, और तो इसके कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस होगी। यानी यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी को पहले सीखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। बॉडी को थ्रो किया तो यहां से लेकर के बॉडी बॉडी यहां से लेकर के और यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा छोटा ही कर देता हूं ये बॉडी जो है, वो यहां से आपने ऐसे थ्रो किया और वो यहां तक आया, ठीक है। तो ये जो है बॉडी का, यहां पर जो वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी ऐसे था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे था, ठीक है, ये वेलोसिटी ऐसे बॉडी को थ्रो किया गया था, लेकिन लगातार उसकी स्पीड घटते घटते यहां पर एक पॉइंट होगा जिसको कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और यहां पे बॉडी आके अटेंड किया, यहाँ पे बॉडी आके एक्स एक्सिस अगर मान लिया जाए तो यहाँ ए पर आकर के बॉडी फिर से स्ट्राइक किया अर्थ के सरफेस पर, यहाँ पे ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट, क्या कहेंगे इसको, हाईएस्ट पॉइंट, पी पी फॉर पीक मान लेते हैं, और ओ ए जो है ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यहां से ओ से लेके ए तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ओ से ए तक के।
और यहां से यहां तक जो हाइट है इसको हम कहेंगे वर्टिकल हाइट। ये जो है इसको हम कहेंगे वर्टिकल हाइट। जो अटेंड किया सबसे ज्यादा हाइट कितनी अटेंड करी, ये है ओपी। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना अटेंड किया, ये है कुल मिलाकर के ओए। तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, ये देखने वाली बात है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हम कहेंगे कि ये जो वी है या यू है, इनिशियल वेलोसिटी हम यू मानते हैं, तो यू इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और ये हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज और ये हुआ मैक्सिमम हाइट। इनके कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिस सिंबल के आधार पे इनको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्सिमम हाइट को, रेंज चुकी है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं, तो ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यू है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और ये जो एंगल है जिस पे एंगल से ये हॉरिजॉन्टल को फेंका जा रहा है उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो एक हुआ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम नोट कर देते हैं यहाँ पे। पहला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुआ, द इनिशियल वेलोसिटी बाई विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द एयर। ये है द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द एयर, इन द एयर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा टर्म हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने डिग्री पे हमने किया, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द इनिशियल एंगल, द एंगल मेड बाय वेलोसिटी, द एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, या ग्राउंड जो भी कह सकते हैं। तो ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आ गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ क्या है, थीटा है। आर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या है। तो अब अगला टर्म आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये हुआ क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां पे होगा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इज डिनोटेड बाय आर एंड यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। हेयर ओए इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, ओए इज इक्वल टू ओए है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट, यहां पे है मैक्सिमम हाइट, ये एच डिनोटेड बाय एच, यहां पे मैक्सिमम हाइट, द हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये एक टर्म हुआ मैक्सिमम हाइट। द वर्टिकल हाइट अटेन बाई प्रोजेक्टेड पार्टिकल, द वर्टिकल हाइट अटेंड अटेंड बाई प्रोजेक्टेड पार्टिकल, प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज कॉल्ड
मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय एच, कैपिटल एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और टर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पार्टिकल, द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टेड पार्टिकल, प्रोजेक्टेड पार्टिकल इन द एयर, इन द एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इज डिनोटेड बाई टी, एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी, डिनोटेड बाई कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज यहां पे क्या लगेगा, पार्टिकल ओ से ए तक आने, ठीक है, दैट इज टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए इज कॉल्ड टी, ओ से ए तक आने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ गए होंगे डायग्राम से, एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है। पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी और इस वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे, अब सवाल ये है कि पार्टिकल को जब हम थ्रो करते हैं तो जी की वजह से वर्टिकल मोशन लगातार कम होता जाता है। पार्टिकल को जब हम एयर में थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल मोशन लगातार कम होता जाता है, इसलिए पार्टिकल ऊपर धीरे धीरे जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक हाइट पर जा करके उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब जीरो होने के बाद फिर जी के इफेक्ट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और इंक्रीज होते होते फिर वो नीचे आता है। दूसरा चीज ये है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा जिसको यू कॉस थीटा कहा, उस पे जी का प्रभाव नहीं लगता क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है और एक ही लेवल पे अगर जाने पे जी की वैल्यू सेम होती है। जी की वैल्यू तो हाइट बढ़ने से कम होती है और हाइट नीचे आने की तरफ जी की वैल्यू बढ़ती है, बट एक लेवल पे, एक सर्टेन हाइट पे उसकी जी की वैल्यू बराबर रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, यानी वो घटता बढ़ता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन का इफेक्ट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो है और जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी होगा उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू जी का फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी पहले तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी और बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका नतीजा ये होता है कि एक बॉडी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो प्रोजेक्टेड पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ले जाना चाहता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बॉडी को ऊपर ले जाना चाहता है, जिसकी वजह से बॉडी को दोनों ही प्रकार के डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ते हैं, है ना। एक आदमी, जैसे आप मान लीजिए कि एक आदमी इधर खींच रहा है किस चीज को, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो दोनों के फोर्स के इफेक्ट की वजह से वो चीजें ना सीधे जाएगी ना इधर जाएगी, वो बीच में कहीं जाएगी, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है ना, हर एक पार्टिकल पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो ऐसा होगा। ऐसा पाथ क्यों होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि पाथ ऐसा क्यों होगा। जैसे जैसे चूंकि ये बॉडी ऊपर की ओर जाएगी उसके वर्टिकल कंपोनेंट कम होते जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियली, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि
एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो इधर की तरफ दो वेलोसिटी यहां काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा कैसा, ध्यान से देखिए, ये इधर की तरफ काम कर रहा होगा u cos थीटा, ये कांस्टेंट है। इधर में कुछ काम कर रहा होगा वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं अभी, क्योंकि वो पूरा u sin थीटा में से थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, दैट इज u sin थीटा माइनस g की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसके जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे वेक्टर एडिशन से अगर हम बनाए तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये ऐसा होगा, है ना, और रिजल्टेंट क्या होता है, ऐसा होता है ना। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट इधर की ओर होगा, है ना, जिसकी वजह से ये बॉडी इधर की ओर ट्रेवल करता है। फिर आगे जाएंगे, ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना, ये ऐसे होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही अगला पॉइंट पे जाएंगे तो थोड़ा और यहाँ पे वेक्टर बनेगा जिसकी वजह से थोड़ा और नीचे जाएगा। तो इस तरीके से जो होगा वो मोशन इसकी लगातार टर्न होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पे थोड़ा और डाउन होगा, यहाँ पे थोड़ा और डाउन होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी इस पे काम करना शुरू करेगा और ऊपर वाली वेलोसिटी कम हो जाएगी, नीचे वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इस हिसाब से ये जो होगा, अगर इसी में हम मान लें कि ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर छोटी हो जाए थोड़ी, तो क्या होगा, आप जरा सोचिए। ये वेक्टर्स को हम बना देते हैं फिर से, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है और ये हमारा है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट, है ना। तो ये रिजल्टेंट देगा यहाँ पे मोशन, ये रिजल्टेंट मोशन देगा, और इस तरीके से ये बॉडी का डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही कंपोनेंट काम कर रहा होगा, ओ यू कॉस थीटा, और थ्रू आउट मोशन मोशन 0 होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। ये है वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 0, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी रिमेन यू कॉस थीटा। ये है वी वाई, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है मैक्सिमम हाइट पे मान लेते हैं, ये होगा 0 वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा वी एक्स, यानी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा होगा। अगर ये वेलोसिटी नहीं होता तो बॉडी यहाँ से नीचे यहाँ ड्रॉप हो जाती, इधर की ओर नहीं जाती। जैसे आप यहाँ पे किसी चीज को छोड़ देते हैं, यहाँ वेलोसिटी 0 है तो इसके कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो बॉडी सीधे नीचे की ओर गिर जाती है। यहाँ पर इस वेलोसिटी की वजह से ही बॉडी इधर की ओर आता है, नहीं तो ये अगर वेलोसिटी नहीं होता तो ये बॉडी यहाँ पे गिर जाता, ठीक है ना, ड्रॉप हो जाता सीधे। तो ये अगर पूछे कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो अधिकांश बच्चे कह देते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन यहाँ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी स्टिल रिमेन, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप 0 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे यू कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, यू कॉस थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन होती है, वो कॉन्स्टेंट रहता है, और वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे सिर्फ 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होगा। तो ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना, कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, 0, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल स्टिल रिमेन इन एक्शन, एंड बिकॉज ऑफ इट बॉडी विल ट्रेवल थ्रू हॉरिजॉन्टल सम मोर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, क्योंकि जी जैसे जैसे यहाँ पे घटता जाता है उसी हिसाब से इधर जी फिर बढ़ता जाता है। और यहाँ पर भी अगर बॉडी का मोशन हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे बॉडी का मोशन कैसे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्शन क्यों होगी पाथ ऐसा, ये समझो। ठीक है, यहाँ पे हम बॉडी का मोशन लेते हैं कि ये मोशन बॉडी जो है यहाँ पे मान लीजिए
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉडी का ये मोशन लेते हैं, अगर मोशन यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, ये देखिए, ये एक डायरेक्शन इधर है, इधर की तरफ क्या है, यू कॉस थीटा। थोड़ा सा देखिए, फिर से बनाता हूँ डायग्राम, चलिए ऐसे खींच देता हूँ। देखिए ये मोशन होगा इधर पे और यहाँ पे ये होगा। अब इसको पैरेललोग्राम लॉ में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये यू कॉस थीटा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी है, यहाँ पे ये बनेगा क्या, पैरेललोग्राम लॉ, और ये इसका होगा रिजल्टेंट। यहां पर आते आते वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अब नीचे आ रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा और ये वेक्टर हो गया और ये इसका डायरेक्शन होगा, ये हो गया यू कॉस थीटा, ये होगा वी डबल डैश मान लेते हैं, चूंकि अभी वेलोसिटी कितनी है वो हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है ना, ये जी के इफेक्ट से। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, है ना, ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। तो ये हर एक पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ टर्मिनोलॉजी आपने सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है और क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना, और क्यों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये पाथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, पाथ ऐसा क्यों होता है, इसको कहेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओ से ए तक जो है उसको हम कहेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और यहाँ पे ये जो है वो मैक्सिमम हाइट है, ये जो चीजें हैं इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसका अगर इक्वेशन निकालें तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको कहेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सारे टर्मिनोलॉजी और इसके एक्सप्रेशन, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए डेरिवेशन हम थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से बताएंगे, यानी 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हम वापस क्लास ज्वाइन करेंगे और तब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करता है, इसके एक्सप्रेशन का डेरिवेशन क्या है। तब तक आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए, ठीक है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।